तौहीद भाई जो कि हमारे क्लासमेट थे कभी और आज भी हमारी दोस्ती बरकरार है, अपनी खराब तबीयत की वजह से ग्राउंड पे हाजिर नहीं हो सके। और उनका यूट्यूब पे चैनल है तौहीद निकलॉग के नाम से, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि उनको सब्सक्राइब करें। तो आज गुलुआ क्रिकेट टूर्नामेंट का ये चौथा मुकाबला बशरी वॉरियर्स और सीलॉन के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीतकर बशरी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। दो ओवर की समाप्ति पे 8 रन बशरी वॉरियर्स बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं साहिब आलम अपनी पहली गेंद के लिए तैयार, सामना करेंगे अल्माज। ओ विकेट, काफी प्रेशर में दिख रहे थे, पहला विकेट लपक लिया है, काफी महत्वपूर्ण विकेट था ये अल्माज। तो गाइस जैसे ही मैं आया हूँ मेरी टीम ने विकेट ले लिया, पहला ही विकेट, और आज ये मेरी टीम का पहला मैच है ना, फर्स्ट मैच है। तो जैसे कि प्लेयर सारे फुल एक्टिव दिख रहे हैं हमारे और काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है आज, और प्लेयर सब लगे हुए हैं। दूसरी टीम भी अपनी है बट ये अपनी ओन टीम है, अपने मोहल्ले की टीम है। अरे ये बोल्ड दूसरा विकेट। अब आए हैं बैटिंग करने के लिए, टीम के कैप्टन मिस्टर सलमान बसरी फील्ड पे आ चुके हैं। इस ओवर में 2 विकेट हो चुके हैं। मार दिया 6 रनों के लिए, पहला छक्का लगी राय के बल्ले से निकलता हुआ, काफी लंबा छक्का सलमान बशरी, काफी बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए, 6 रन कमर की दिशा की जाने सलमान बशरी के बैट से निकलता हुआ पहला छक्का, सामना करेंगे सलमान, चार ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर है 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 29 रन माफ कीजिएगा 29 रन सिंगल के साथ करते हुए यही सबके लिए छक्कों के हैट्रिक। 5 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर है 48। 5 ओवर की समाप्ति और 50 रन अलग ही रंग में नजर आते हुए छक्के कर दिए उन्होंने 56 रन के स्कोर पर है और मात्र 10 गेंद खेली कर दी है। गोल शॉट पर बल्ले का बाहरी किनारा निकल गया, बाहर जाते 4 रनों के लिए सलमान अब पहुंच गए 40 रनों पर, मात्र 11 गेंदों का सामना किया है और टीम का स्कोर 60 रन। आखिरी गेंद सलमान के लिए, नंबर 1 पे है इस वाले डिफेंस, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रहेंगे अरे
बच गए। दो विकेट के नुकसान पर सातवां ओवर चलता हुआ छह रन वो कैच बहुत सही था दम। तीसरा झटका लगता हुआ बसरी वॉरियर्स के लकी राय के रूप में। की का विकेट हुआ था और उनकी जगह पे उन्हीं के नाम राशि लकी आए हैं। लकी खान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये गेंद विकेट से बाहर, एक सफलता इस ओवर में मिल चुकी है। और फिर दो रन का फ्लिप कर दिया है गेंद जाती हुई। चार रन सामने, चार रनों के लिए लकी राय ने काबिल तारीफ। आठ ओवर की समाप्ति। फाइनली पिछली बार सलमान, पिछली बार रह गई थी 50। स्टार्ट हुआ है 6 रनों के लिए तो अजान हो रही है, कमेंट्री नहीं होगी और लास्ट ओवर बचा है इस इनिंग का। ओवर ये क्या हुआ यार, चल 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 इधर इधर।
अरे भाई झोली में डाले हैं लकी खान ने। पहला छक्का इनके बल्ले से इसे बरकरार आता हुआ। इनका स्कोर है 135 रन। और इस इनिंग की ये लास्ट बॉल एमएस के द्वारा आती हुई लास्ट गेम। हाँ रन आउट लकी लास्ट बॉल। तो 12 ओवरों की समाप्ति के बाद पथरी वॉरियर्स ने 144 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल किया है। यह मुकाबला जीतने के लिए सी लायंस को 145 रनों की जरूरत है निर्धारित 12 ओवरों में। अब दूसरी इनिंग में मिलेंगे अब तो सी लायंस को यह मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित 12 ओवरों में 145 रनों का लक्ष्य हासिल करना है। तो पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार राजा और सामने बल्लेबाज आरिफ। सारे पहली गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा मीनू फील्डर मौजूद है और मिसफील्ड होती है उनसे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जरूर गई थी लेकिन चौका नहीं जाने दिया है। एक रन निश्चय जाकर एक रन होना चाहिए था एक रन आउट कर ले लिया है। 145 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए सी लायंस को निर्धारित 12 ओवरों में जिसमें 3 ओवरों का पावर प्ले भी शामिल है। देखना होगा कि किस प्रकार की शुरुआत करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। वहीं राजा तेज तर्रार गेंदबाज है की तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका सारिफ के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या कहना चाहेंगे? मैच बहुत ही रोमांचक होगा। हाँ। और बशीर वॉरियर्स 144 रन जरूर बनाए हैं मगर सी लायंस की बैटिंग में भी गहराई है और मजा आने वाला है इस मुकाबले। तो हम चल रोमांचक होने वाला है मुकाबला। कोई भी दर्शक अपनी जगह से ना हिले क्योंकि बैटिंग लाइनअप में काफी ज्यादा गहराई है सी लायंस के में। बॉल से बाहर रोहिए पहले ओवर की और 10 रन आ चुके हैं। बल्ले का बाहरी किनारा फील्डर लकी खान उसके नीचे मौजूद थे। ये चौथी बॉल थी निश्चयी के साथ 4 बॉले 10 रन। जहां तक मेरी नजर का सवाल है जावेद भाई सिलांस को अगर ये मैच जीतना होगा तो वो नहीं चाहेंगे कि अपने महत्वपूर्ण विकेट को जल्द से जल्द खोना। बैटिंग पिच हो गई है कॉलर मेरे ख्याल से अब तो रन बनते हैं यहाँ पे कोई इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है जावेद भाई। पिछले कुछ समय से जब से टूर्नामेंट चालू है और काफी काम भी किया है ग्लोबल 11 के सभी खिलाड़ियों ने जो कि इस टूर्नामेंट को आयोजित करा रहे हैं तो साफ नजर आता हुआ कि पल्ले पर गेम बहुत ही आसानी के साथ आती है और बड़े बड़े स्कोर इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। फिलहाल सारिफ अपने पूरे रंग में नजर आते हैं बल्ले का बहुत ही खूबसूरती के साथ टक्कर दिया फील्डर वसीफ के नीचे मौजूद है। ये स्कोर है 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति पर अब ये दूसरा ओवर स्टार्ट होने जा रहा है। पहले गेंद का तैयार सारिफ के लिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया सही से। मैं लाइव देख रहा था कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो गया। जीवन दान मिल चुका है दो ओवर की समाप्ति। तारीख का तीसरा ओवर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
सारिन ने तीसरा छक्का दे दिया है अपनी इनिंग का और एक छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस मैच में ड्रॉप हुए हैं पसरी वॉरियर्स की तरफ से और इसी बीच विकेट का करीबी किनारा एक रन आसानी के साथ पूरे किया दो नहीं बनने बाकी स्कोर बढ़कर पहुंच गया 35 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये चौथा ओवर स्टार्ट हुआ, पावर प्ले खत्म हो भी चुका है। बड़ा कर रहा होता है रिकॉर्डिंग करना ऐसे फील्ड के अंदर खड़े हो। चार रन और ये खतरा हो सकता था यकीनन अगर प्रेडिक्ट होता तो आज के बतौर मैदान स्थिति अली चौधरी साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं पूरी कमेटी की तरफ से उनको अगर इनके लिए अलमास तैयार उठाकर मानना चाहते थे बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद गई सलमान के हाथों में एक रन के साथ स्कोर बढ़ाकर पहुंचा दिया 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। स्कोर है 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। पारी का पांचवा ओवर बल्ले का अंदरूनी किनारा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया पहला छक्का अग्रम के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर कर कर बैठ गया है 49 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद खाली की फुल टॉस गेंद इसका हवा में उछाल रहा है हैट्रिक पर है। चलो क्या कहेंगे आप और कमेटी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार जीत चुके कमेटी की तरफ से जो 101 रुपए का पुरस्कार है वो हासिल कर चुके हैं। इनका स्कोर है 66 रन एक विकेट के नुकसान पर। सारिफ और अकरम की जोड़ी इस समय मैदान के पीछे बीच बल्लेबाजी कर रही है। सारिफ की जोड़ी ने 19 गेंदों का सामना किया है 37 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद से लपेट कर मारना चाहते हैं सारिफ क्योंकि 37 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अलमास ने अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी है और अपने खाते में पहली सफलता अर्जित की है। सारिफ जो की अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 20 गेंदों का सामना किया 37 रन बनाकर अपर वेरियन वापस लौटते हुए बल्लेबाज अलमास पहली गेंद गोल शोर लगाना चाहते थे खतरा हो सकता है। अलमास गेंद सफल करना चाहते थे तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए आज के इस मुकाबले में अलमास चार गेंदों से ओवर की हो चुकी है 62 रन और इधर सूरज है गाइस और इधर चांद निकला हुआ है। चांद है इधर और इधर सूरज है दोनों तरफ गेंदबाजी करने के लिए जाता है से बाहर मारा है भाई। तो सामने वाले बातें बकरम काफी
32 गेंदे 71 रन दो तीन विकेट हो गए। और अच्छी गेंदबाजी वसी के द्वारा बेहतरीन ओवर करता हुआ ये वसी वॉरियर्स के लिए वसी का मात्र 4 रन है और एक बहुत ही बड़ा विकेट के नाम रहा है। अकरम को चलता किया है 30 गेंदों पर 71 रनों की दरकार। कोटे का दूसरा ओवर लेकर एमएस तैयार है। पहली गेंद पर गेंद हवा में है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए लगा की एमएस के लिए। अरे टंगी गई। इस बार कोई गलती नहीं की। राजा को डिस्टेंस के लिए लगाया गया था, सामने बखूबी खड़े उतरते हुए रेमस को चौका कर दिया है। 65 रनों की जरूरत है बची हुई 28 गेंदों पर। फैजान आए हैं बैटिंग करने के लिए। आठ ओवर की समाप्ति पर 9 ओवर सिंगल होता हुआ तो सिंगल डबल से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वॉरियर्स को। बचे हुए 21 गेंदों से कुछ बड़े उठे की जरूरत है। दिया है काफी बेहतरीन, काफी लंबा छक्का। गेंद 19 गेंदे 52 रन कट कर दिया उसको। वहां पे फील्डर मौजूद, एक रन मुकम्मल। पार्टी पे 94 रन 4 विकेट के नुकसान पे सी लाइन फैजान उठा के मारना चाहते थे पूरी तरीके से बैठ हुए, लेकिन एक रन दौड़ के मुकम्मल। तो बचे हुए 17 गेंदों पे 50 रनों की जरूरत सी लाइन को बता दो। उठा के खेल दिया है और अपना विकेट गवा बैठे फील्डर मीनू, उनसे कैच नहीं छूटता, काफी अच्छे फील्डर हैं। फील्ड पे दो सगे भाई दोनों खेल रहे हैं बैट के लिए। उठा के खेल दिया है और 6 रन और फील्ड पे आ चुके हैं दोनों सगे भाई। पुराने क्लासमेट तौहीद के सगे भाई हैं मेरे भाई, वो सगे भाई हैं। राजा की अगली गेंद कप्तान तैयार। उठा के खेल दिया है, जैसा भी दिया जैसा भी लेकिन और विकेट गिर गया। राजा की अगली गेंद बची 12 गेंदों पे 42 पॉइंट की दिशा में कट कर दिया है। एक रन मुकम्मल और वसी से मिश्रित होती हुई जिसका पूरा फायदा उठाया सी लायंस के बल्लेबाजों ने। फैजान तैयार उठा के मारना चाहते थे दीप हुए उसका आले की दिशा में एक रन, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे पिछली बार के बॉलरों की और अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हुए। वैसे ही काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 38 रनों की दरकार सी लायंस को। टीम का स्कोर 107 रन 6 विकेट के नुकसान पे। फैजान तैयार आगे मारना चाहते थे, यकीनन बड़े हिटों की जरूरत थी यहाँ से, लेकिन काफी लेजेंड मुजम्मिल। मुजम्मिल अगर 3 छक्कों की हैट्रिक मारते हैं हमारे बड़े भाई हसीब भाई की तरफ से 551 रुपए का नगद पुरस्कार और 51 रुपए तौहीद की तरफ से। मुजम्मिल अगर 3 हैट्रिक लगाएंगे तो 551 रुपए का पुरस्कार। कैच ड्रॉप कर दिया है मोई मोई
हफ्ते की अगली गेम मुजम्मल तैयार। दोनों को इनाम नहीं मिलता हुआ मुजम्मल अपना विकेट बल्लेबाजी करने आए हैं साहिब आगे मारना चाहते थे पीट हुए भाग 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 अबे तीर अच्छी फील्डिंग कप्तान सलमान बशरी के द्वारा अपनी टीम के लिए यकीनन 3 रन बचाए और काफी बेहतरीन थे। मैच के बाद दोनों टीमों के प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वो लाइनअप हो जाएं। एक और छह वो ट्रिक सकता था इस मैच में। अरे वो क्या शानदार कैच यार शानदार कैच। ओ मेरी टीम हार चुकी है अब क्या कर सकते हैं नसीब का खेल है तो मैच मेरी हार टीम हार चुकी है। अब यहाँ पे लाइनअप करवाते हैं क्योंकि ओपनिंग मैच में आया नहीं था और क्या बोलते हैं आज एक और चीफ गेस्ट आए हुए हैं आई थिंक 4 मैच हो चुके हैं। बहुत बढ़िया